खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिंस अल्ताफ हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक फर्टिलाइज़र एसोसिएशन का खसूसी हंगामी इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें साहिवाल डिवीज़न के लिए सदारत का सेहरा चौधरी मोहम्मद मुनीर ऑफ सगीर कारपोरेशन के सर बांधा गया। तीनों ने अजला पाकपतन उकाड़ा और साहिवाल के खाद डीलरों के ने मुतफिका तौर पर चौधरी मोहम्मद मुनीर के सदर बनने पर इत्तफाक जाहिर किया। इससे कबल मुतद्दद नाम जेरे गौर लाए गए और इजलास में काफ़ी देर तक नामों पर गौर किया जाता रहा, लेकिन फिर अचानक सबने मिलकर कहा कि चौधरी मोहम्मद मुनीर अरसा दराज से डीलर्स की कानूनी और इखलाकी जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने हर मौका पर हुकूमत की गैर दोस्त किसान पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया। किसानों की हकूक की जंग में भी इन्हें मौशी तहफ़ फ्राहम करने के लिए मुख्तलिफ मौक़ों पर इनकी मदद की। इस मौके पर शुरका ने मज़ीद कहा कि चौधरी मोहम्मद मुनीर ने गुज़श्ता अदवार में हुकूमत और किसानों के दरमियान पुल का किरदार अदा किया है। हम यही चाहते हैं कि सदारत के मनसब पर ऐसा शख्स मौजूद हो जो किसान के मामलों से मुकम्मल आगाही रखता हो और हकूमती ऐवानों में किसानों की जंग लड़ने का जज्बा रखता हो। इजलास के आखिर में तमाम डीलरों ने चौधरी मुनीर को मुबारकबाद पेश की और इनकी क्यादत पर एतमाद का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह घुरकी अस्पताल लाहौर में कैंसर के मरीजों का इलाज साइबर नाइफ के जरिए शुरू कर दिया गया है। घुरकी अस्पताल गुज़श्ता कई दहाइयों से गरीब मरीजों को इलाज की मुफ्त सहूलियात फ्राहम कर रहा है। आइए आगे बढ़िए और अपनी ज़कात व अतियात देकर जिंदगी से मायूस लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने में घुरकी अस्पताल का साथ दें।